की आजादी के 75वें महासमारोह की सबको बहुत बहुत बधाई हो। इस समारोह पर मुझे याद आया कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है वो कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। तो क्रिटिकल थिंकिंग हम डेवलप करेंगे अपने इस 75वें आजादी, हम आजाद हो चुके हैं, 75 साल हो गए हैं, तो इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं एक क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मान लीजिए ये आप हो, आपकी आत्मा है, आप नहीं हो, अभी आपका जन्म नहीं हुआ, जन्म होना है, तो ये गॉड है, परमात्मा है। आप तो पता है कि इंडिया में परमात्मा को सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, सबको पता है परमात्मा है, सोल है। अच्छा, ये आप हो और ये परमात्मा है, आपका बर्थ होने वाला है और बर्थ होने से पहले आपको परमात्मा क्या कहता है कि बेटा तूने जन्म लेना है तो मैं तुम्हें चार ऑप्शन देता हूं। तो सोल कहती है यहां भी यूजीसी नेट टीईटी एग्जाम हो रहा है यार, एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा है, चार ऑप्शन दे दिए यार, चूज करो एक, क्या क्वेश्चन पूछा है। कहते हैं परमात्मा गॉड कहते हैं कि बेटा या बेटी, पता नहीं कौन है ना, सोल है ना, सोल का सेक्स नहीं होता, तो कहते हैं परमात्मा के बेटा तुझको ऑप्शन दे रहा हूं चार, देखो कहां पर जन्म लेना है। पहला ऑप्शन है आप हॉट सीट पर बैठे हो, पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है ब्लैक ब्लैक इंग्लैंड, तीसरा न्यूजीलैंड जी अमेरिका। तो क्वेश्चन आपसे ये है, आपने इस क्वेश्चन को पर्सनली लेकर उत्तर देना है कि आप कौन सा चूज करोगे। अगर परमात्मा आपको कहता है कि आपका जन्म जहां आप चाहोगे वहां होगा, वो तो नहीं हो सकता, बेटा तुझे चार ऑप्शन दे देता हूं, चार ऑप्शन दे दी गई है, आप कौन सा चूज करोगे, एक दो तीन या चार, आंसर जरूर दीजिए। अगर आंसर देना लंबा लगता है तो इंडिया के लिए आई, इंग्लैंड के लिए ई, न्यूजीलैंड के लिए एन और अमेरिका के लिए ए, जरूर दे। वो तो इमोशन है ना, 75वां आजादी दिवस जो मनाना, महासमारोह करना है, लेकिन इमोशन के साथ साथ हम सोच भी रहे, अगर हमें ऑप्शन मिलती है तो मैं कहां जाना चाहूंगा या चाहूंगी, प्लीज उत्तर दीजिए। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।